ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करना चाहिए। जो आदमी बीमार है ना, अल्लाह ने पैसा दिया है तो अल्लाह की राह में दो। एक हदीस है, दाओ मराजाकुम बिसदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने हसन कहा है, रवायत ज़ईफ है, लेकिन इस मफहूम की बहुत सारी रवायतें मिलती हैं। सबका खुलासा ये कि सदका करना चाहिए। आदमी बीमार है तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में सदका करना चाहिए। और कोई गरीब है तो भी कम से कम 100 रुपया तो सदका कर सकता ना, तो एहसास कमतरी में मुबतला ना हो कि अल्लाह ने हमको बहुत ज्यादा नहीं दिया, हम क्या सदका करें। अरे भाई 100 रुपया ही दे दे, अल्लाह ताला तो दिल देखता ना। तो सही बुखारी की हदीस है, मैं कई बार आपके सामने सुना चुका हूँ कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। तो अल्लाह ने ये नहीं देखा कि क्या दे रही है औरत और किसको दे रही है, लेकिन दिल देखा कि किस दिल से पिला रही है, रहम का जज्बा क्या है। तो अगर हम रहम के जज्बे से, इखलास से 1 रुपया भी किसी को दे देना, तो वो 1 रुपया भी अगर अल्लाह कबूल कर ले तो हमारी बख्शिश का जरिया बन सकता है। तो बीमारी की हालत में सदका करना चाहिए, अल्लाह ने जो भी तौफीक दी है।